तो हे गाइस, आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप गेमिंग थंबनेल कैसे बना सकते हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ इस टाइप का। तो आपको सबसे पहले पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है, तो इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ से कैंसिल कर लेना है एंड थ्री डॉट क्लिक करना है एंड इमेज साइज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर लास्ट में यूट्यूब थंबनेल लिखा है इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से ओके कर लेना है। यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक कर लेना है एंड फ्रॉम गैलरी लिखा है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अपना एक स्क्रीनशॉट जो लिया था वो यहाँ पर ऐड कर लेना है एंड अब इसकी साइज के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर लेना अपने हिसाब से। तो अब हम इसमें व्हीकल की PNG ऐड करेंगे, तो उसके लिए फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है एंड फिर फ्रॉम गैलरी लिखा है इस पर क्लिक कर लेना है एंड अब जिस फोल्डर में PNG रखी है उस फोल्डर में से व्हीकल की PNG को ऐड कर लेना है। अब इस व्हीकल की PNG को थंबनेल के सेंटर में ले आना है अब इसी तरह एक और व्हीकल ऐड कर लेनी है अब इसमें हम करेंगे लूट बॉक्स को ऐड, तो उसके लिए एक एक कर दोनों लूट बॉक्स को ऐड कर लेना है। एंड अब इस दोनों लूट बॉक्स में शैडो देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड शैडो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शैडो को इनेबल करेंगे एंड वाइट कलर में शैडो देंगे। एंड अब हम इसमें टेक्स्ट लगाएंगे, तो उसके लिए फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मैं न्यू टेक्स्ट लिखा है उसको हटाकर उसकी जगह व्हीकल लिख लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट में फंड ऐड करूँगा, तो उसके लिए फंड पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से लेमन मिल्क नेम वाले फंड को ऐड कर लेता हूँ। एंड इसके बाद इस टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा, तो उसके लिए कलर पर क्लिक करके येलो कलर ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इसकी साइज को थोड़ा बड़ा लेता हूँ एंड फिर अब इसमें शैडो दूंगा, तो उसके लिए शैडो पर क्लिक करके ब्लैक कलर में शैडो दे दूंगा। तो अब इस टेक्स्ट की साइज को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, तो फिलहाल तो मैंने कम किया है। तो अभी मैं इसमें गन की PNG ऐड करूँगा, तो इसके लिए फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और फ्रॉम गैलरी लिखा है उस पर क्लिक करूँगा। तो इनमें से कोई एक गन को ऐड करना है। फिलहाल मैंने
ए डब्ल्यू एम गन को ऐड किया है। अब मैं गन में भी शैडो दूंगा, तो उसके लिए भी शैडो पर क्लिक करना है एंड शैडो को इनेबल कर लेना है और फिर इसको ब्लैक कलर में कलर दे देना है। और अब इस ब्लैक कलर के नीचे ब्लू रेडियस लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा लेना है। एंड अब इसमें इमोजी ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है। और इस इमोजी को स्टॉक दे देना है वाइट कलर में का, तो इसको स्टॉक दे देता हूँ। फिर अभी मैं इसके अंदर एक ही एरो ऐड कर लेता हूँ। अब एरो को ऐड कर लेने के बाद इसका ब्लू कलर चेंज कर लेता हूँ। एरो को भी शैडो देता हूँ जो कि ब्लैक कलर में है। तो अभी इस थंबनेल को सेव करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है और सेव एंड इमेज पर क्लिक कर लेना है और डेमिनेशन को कस्टम से हटाकर अल्टा पर क्लिक करना है और सेव को गैलरी, सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। अब ये गैलरी में सेव हो चुका है, तो लगभग थंबनेल का आधा काम तो हो चुका है। अब इसमें कलर ग्रेडिंग और क्लैरिटी लाना है, तो अब मैं इस थंबनेल को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद नीचे की ओर लाइट टिका है, ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है। हाईलाइट और शैडो को ऐसे ही रहने देना है और उसके नीचे ब्लैक लिखा है, उसको थोड़ा बड़ा लेना है। फिर उसके बाद कलर पर क्लिक कर लेना है और मिक्स लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ग्रीन कलर की सैचुरेशन को बढ़ा लेनी है। और यहाँ से डन कर लेना है, फिर इफेक्ट पर क्लिक करना है, टेक्सचर को और टेक्सचर को 18 कर लेना है और क्लैरिटी को 11 कर देना है। फिर डिटेल पर क्लिक करना है और शार्पनिंग को फुल आई कर लेना है। शेयर पर क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस कर देना है। तो अब हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।